अरे विराट, क्या हुआ? फीता खुल गया। अरे विराट, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया इधर। हाँ, गांव गया था लेकिन अब वापस आ गया हूँ। गांव? कहीं घर वालों को देखने तो नहीं गए थे? हाँ यार, घर वाले बहुत परेशान हैं। अरे विराट, फर्जी परेशान हो यार, यहीं रहो, यहीं घर बनाओ अपना। हाँ, कोशिश तो यही है। अरे उधर कहाँ, कहीं कब्रिस्तान की तरफ तो नहीं जा रहे हो? हाँ, उधर ही जा रहा हूँ। देखा उस भूत वाली अम्मा पर बचकर जाना। थोड़ी ना हूँ, एक्चुअली मैं रोड पार करने के लिए किसी को ढूंढ रही थी और मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया। जिसको बुलाया था वो तो आया ही नहीं, इत्तेफाक आप मिल गए। अरे अच्छा, आप इत्तेफाक पे भरोसा करते हो? नहीं। और भूतों पर? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने तो मुझे सच में भूत समझ लिया। अच्छा, आपको इस रास्ते के बारे में कुछ पता है? नहीं। तभी आप इस रास्ते में अकेले दौड़ रहे हो, वैसे इतनी रात में जॉगिंग कौन करता है? इसी रास्ते से पहले मैं कॉलेज जाया करता था। पर तुम दूसरे रास्ते में भी तो जॉगिंग कर सकते हो। अरे मैं इस रास्ते पर मॉर्निंग वॉक पे आया करता था। वैसे आपको पता है लोग कहते हैं कि ये रास्ता भूतिया है? पता नहीं मुझे। वैसे कभी सोचा है कि तुम्हारा किसी सुनसान रास्ते पर किसी आत्मा से मिलन हो जाए तो तुम क्या करोगे? मुझे नहीं मालूम। तुम रुक क्यों गए? मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया। लगता है हमारा सफर यहीं तक था। वैसे आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? आगे बहुत अंधेरा है और मैं अकेली हूँ। ठीक है, चलिए। वैसे भरोसा कितनी अजीब चीज है ना, आप किसी पर करते हो और कोई आप पर करता है और आखिर में कोई ना कोई उसे तोड़ जाता है। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ। अपनी शादी के मंडप से मैं उसके लिए भाग कर आई हूँ और वो नहीं आया। उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया, उसी के लिए मैं इन रास्तों में इधर उधर भटक रही हूँ। पता नहीं कहाँ होगा वो। शालिनी, मैं ये क्या तरीका है, तुम मुझे इस सुनसान रास्ते में बुला के खुद ही गायब हो गए। और मैं क्या करता शालिनी, तब से मैं तुम्हारा यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, बल्कि मैंने तुम्हें कॉल्स तक किए लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ जा रहा है। मुझे लगा कि तुम इधर से ही जाओगी तो मैं यहीं पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ यार, ये फोन भी अभी स्विच ऑफ, और अच्छा हुआ मुझे ये मिला। अरे वो सब तो ठीक है शालिनी, लेकिन तुम किसकी बात कर रही हो? अरे ये कौन, यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। अरे ये मैं सच में यहाँ एक लड़का था। तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। अरे वो यहाँ से अभी दौड़ लगा रहा था। तुम्हें पता है ना कि इस रास्ते से कोई रात में नहीं निकलता है। क्यों? लोग कहते हैं कि सालों पहले यहाँ पे 3 कॉलेज स्टूडेंट्स की मौत हुई थी और जिनकी आत्माएं अभी तक भटकती हैं, और तब से इस रास्ते को भूतिये रास्ते का नाम दे दिया गया है। मैं वो लड़का था मेरे साथ यहाँ पर। अगर था तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरा दिमाग खराब हो गया है। इससे पहले कुछ और बुरा हो जाए, चलो गाड़ी में बैठ जाके। Thank you.
नहीं करे, वहाँ सच में कोई था। बेबी रिलैक्स, पीछे पानी की बोतल रखी और पानी पी लो। पर दिमाग ही खराब हो गया है पूरा। उसका तो घर बस गया, अब हमारी बारी है।